तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है टेकी और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल टेकी टेक में एक बार फिर से। और आज के दिन गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक बहुत ही ज़्यादा गाइस कमाल धमाल वीडियो। तो सबसे पहले गाइस अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स के लिए, तो आज की इस वीडियो पर गाइस 500 लाइक्स जल्द से जल्द कम्प्लीट कर देना। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया गाइस ब्रांड न्यू मल्टीप्लेयर क्रिकेट गेम जो कि गाइस प्ले स्टोर पर अभी जल्दी ही लॉन्च हुई है। और इस क्रिकेट गेम का गाइस नाम है ऑल स्टार क्रिकेट और इसको गाइस डेफ टच के डेवलपर्स ने लॉन्च किया है। सो गेम गाइस आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स की क्वालिटी आपको इस गेम के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस गेम के कुछ स्क्रीन शॉट दिखा दे देता हूँ। तो इस गेम के गाइस स्क्रीन शॉट जो है यहाँ पर आपको जो प्लेयर्स हैं वो आपको स्टिक जैसे देखने को मिलते हैं, बट गेम को खेलने में आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया आपको गेम प्ले देखने को मिलता है और ग्राफिक्स की क्वालिटी आपको इस गेम के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। सो नहीं गाइज ये क्रिकेट गेम प्ले स्टोर पर आई है तो आपको ज़रूर से ये क्रिकेट गेम प्ले ट्राई करना चाहिए। तो इस गेम की जो गाइज डाउनलोड लिंक होगी गाइज वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके गाइज बिना किसी दिक्कत के इस गेम को गाइज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आगे की वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ और सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ देने वाला हूँ, साथ ही आपको इस गेम का जो गेम प्ले है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को गाइज देखिएगा शुरू से लेकर के एंड तक। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसा कि गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने गेम को ओपन कर लिया है। इसका जो गाइस यूजर इंटरफेस है वो आपको यहां पर काफी सिंपल सा देखने को मिल जाता है लेवल वाइज। सो यहां पर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आपको कई सारे लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, बट एक चीज गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसके अंदर रियल टाइम मल्टीप्लेयर मैच तो खेल ही पाओगे, लेकिन रियल टाइम मल्टीप्लेयर मैच तब आप खेल पाओगे जब इसके अंदर गाइस आप 1 से लेकर 10 लेवल तक क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि इनका जो गाइस यहाँ पर 10 लेवल तक है तो 10 लेवल तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको वहां पर रियल ओपोनेंट देखने को नहीं मिलता है। बट जैसे ही आप यहां पर 10 लेवल क्रॉस कर लोगे एंड आपको अपनी टी शर्ट सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी टीम का लोगो को सेलेक्ट कर लेना है, टीम का नाम रख लेना है, फिर आप जैसे ही यहां पर 11वें लेवल पर आते हो तो आपको रियल ओपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो इसलिए गाइज आप जब गाइज 1 से लेकर 10 लेवल तक खेलो तो आप मतलब पूरा कंप्लीट करो तभी आपको मजा आएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा जब आपके सामने रियल ओपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि 10 लेवल तक गाइज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस देखने को मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पर 11th लेवल से आपको रियल मैचेस यहाँ पर खेलने को मिल जाएंगे। सो बहुत ही यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जैसा कि टैक्टिक्स तो टीम एंड सिटी तो ये सब अभी अनलॉक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गाइस आप इस गेम की तरफ प्रोग्रेस करते जाओगे वैसे वैसे ये जब ये जो चीज़ें हैं ये अनलॉक होती चली जाएंगी। सो यहाँ पर गाइज हमें एक मैच प्ले करने वाले हैं रियल टाइम मल्टीप्लेयर में, तो मेरा तो गाइज यहाँ पर 10th लेवल तक कंप्लीट है, तो आपको भी यहाँ पर 10th लेवल तक कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आपको इस गेम का आगे मज़ा आएगा। सो गेम को गाइज आप लोग बीच में क्विट मत करना, आप 10th लेवल तक पूरा कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर गाइज हम अपना मैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसा कि गाइज हमारा जो मैच की स्टार्टिंग है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने को मिल जाता है जब तक आपका सामने वाला ओपिनियन फाउंड नहीं होता है। और आप चाहो तो गाइज इसके अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मल्टीप्लेयर मैच को खेल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे और आपका ओपिनियन जैसे ही फाउंड होता है तो आप गाइज उसके साथ में कनेक्ट होकर के रियल टाइम मल्टीप्लेयर यहाँ पर मैच खेलने लग जाओगे। सो सामने वाला बंदा जैसे कि बॉलिंग करेगा और आप यहाँ पर बैटिंग करोगे तो इस तरीके से इसके अंदर मल्टीप्लेयर जो है वो वर्क करता है, जैसा कि बहुत सारे मल्टीप्लेयर क्रिकेट गेम्स हैं तो उनमें वर्क करता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग इस गेम का जो गेम प्ले वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ग्राफिक्स की क्वालिटी जो है गाइज वो आप लोग अपनी खुद स्क्रीन पर देख सकते हो कि ग्राफिक्स की क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी इस गेम की देखने को मिल जाती है। एनिमेशंस भी आपको इस गेम के काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाते, बट प्लेयर जो है गाइज वो आपको यहाँ पर ज़रूर से स्टिक जैसे देखने को मिल जाते हैं, बट गेम का जो है गाइज एक्सपीरियंस वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। फटाफट से गाइज ये जो गेम है ये बिल्कुल ही स्मूथली तरीके से रन करने वाला है, फटाफट से यहाँ पर फील्डिंग होती है, चौके छक्के लगते हैं, तो हर चीज़ें जो है यहाँ पर फास्ट एंड फास्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। सो बहुत ही बढ़िया गाइज आपको ये गेम देखने को मिल जाता है, काफ़ी सिंपल आपको यहाँ पर कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको लेग साइड का शॉट खेलना है तो आपको जस्ट लेग साइड वाले एरो पर क्लिक कर देना है, एंड आपको अगर ऑफ साइड खेलना है तो आपको ऑफ साइड वाले एरो पर क्लिक कर देना है। सो सिंपल से आपको यहाँ पर इस गेम के अंदर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, एंड बॉलिंग में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेशन होगा आपका 1 से लेकर के 10 लेवल तक तो वहाँ पर आपको सारी बातें जो है वो यहाँ पर
समझा दी जाएंगी। सो मुझे तो ये जो गाइस गेम है काफी पसंद आया है एंड आप लोगों को भी ये गेम काफी अच्छा लगने वाला है, तो जरूर से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको इस गेम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये जो गेम है ये 150 MB के अराउंड पड़ जाएगा, सो आप जरूर से इस गेम को चेकआउट कर सकते हो। और मैं मिलूंगा गाइस आप लोगों को ऐसी ही किसी और नई क्रिकेट गेम के साथ में। जब तक के लिए देखते रहिए आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेकी टेक। गुड बाय।